देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर टिकट को लेकर कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच में से ही टिकट मिलना चाहिए। इस देहरादून में जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी अपने बारे में हो गई है। वो उस विधानसभा के ठेकेदार बन गए हैं और वो ऐसे लोगों को, किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई बिजनौर से लाके उसे टिकट दे रहा है, किसी का भांजा है, कोई कह रहा है क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, वो चार कदम चल नहीं पा रहा है, मैं इसी को टिकट दूंगी और चाहे मैं काले चोर को टिकट दूं लेकिन दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं, ये नहीं चलेगा। तो अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे जैसे ही लिस्ट जारी होगी मैं लिस्ट में देखूंगा कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से नाम है, अगर वहाँ एक दूसरे वार्ड के अगर होंगे और जो जो विधायक इस तरह का काम करेगा वो लिस्ट बनाऊंगा और अगर कार्यकर्ताओं में मजबूत कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा पूरी लिस्ट बनाकर एक पत्र लेकर मैं दिल्ली राहुल गांधी जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि राहुल जी आप जो बातें कह रहे हैं क्या उत्तराखंड में उन बातों का निष्पादन हो रहा है, क्या यहाँ जो चुनाव लड़ गए हैं जो अपने आप को ठेकेदार कह रहे हैं विधानसभा का, क्या आप इनकी ठेकेदारी खत्म करोगे, ये सवाल लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी जिस तरीके से लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को एक पॉइंट दे रहे हैं? देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये सब मीडिया के हमारे साथी सहयोगी हैं, इस तरह के सवाल जवाब उठाते हैं और जरूरी है, मीडिया के लोगों को उठाने का अधिकार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मरते दम तक कांग्रेस का झंडा उठाता है और मैं भी 2 में नहीं मिला, 7 में नहीं मिला, 12 में नहीं मिला, 17 में मुझे टिकट नहीं मिला। यहाँ से जो विधायक लड़े हैं उनसे मेरा बायोडाटा 20 है, मुझे जिंदगी भर टिकट नहीं मिले, मैं कांग्रेस के झंडे में लपेट कर जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की विचारधाराओं पर सवाल खड़े किए और चुनौती दी है कि अगर यहाँ मेरी बात को नहीं सुना जाएगा तो वो राहुल गांधी के पास जाएंगे और अपनी सारी बातों को रखेंगे। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।